धम्म और बुद्ध धर्म में एक छोटा सा अंतर है। बेसिकली जो पाली भाषा में धम्म बोलते हैं उसको बाद में आते आते हिंदी में या छांदस में धर्म बोला गया है। एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से जान लें कि पाली भाषा के अंदर आधे रे का इस्तेमाल नहीं है। पूरी भाषा में आधा रे ओरिजिनल मगधी भाषा में या पाली भाषा में या अशोक की भाषा में या जो बुद्ध की भाषा है उसमें आधा रे कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अगर कहीं आधे रे के दो चार शब्द आए भी हैं तो वो छांदस से ऐसे कैसे लिए हैं, क्योंकि वो शब्द पुरानी भाषा में यहाँ बने नहीं, यहाँ के थे ही नहीं। जैसे ब्राह्मण है उसमें जो रे आता है आधा, या इंद्र है उसमें जो आधा रे आता है, या रुद्र है उसमें जो आधा रे आता है, या भद्र है जिसमें आधा रे आता है, ये ऐसे शब्द हैं। बाकी रे आधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी पाली भाषा में आधा रे कहीं नहीं है। धर्म के अंदर आधा रे है और धम्म में आधा मैं है। तो उन्होंने क्या किया कि धम्म का धर्म किया। बेसिकली अगर आप पाली में पढ़ेंगे तो धर्म और धर्म को उन्होंने सिर्फ ये माना कि भाषा का अंतर है, मगर भाषा के अंतर के साथ साथ में इसके रूप का पूरा अंतर हो गया। धम्म जो है वो प्राकृतिक चीज़ है जो रीडिस्कवर की, पुनः खोजी है, निकाली है बाहर बुद्ध ने, उसको धम्म बोलते हैं। धम्म का मतलब ही प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक जो चीज़ काम करती है जैसे करती है वो उसका धम्म कहलाती है। जिस अनुसार वो काम करती है वो उसका धम्म है। धम्म बहुत सारे हैं, जित प्रकृति में जितनी भी चीज़ है हर एक का अपना धम्म है। जितनी भी चीज़ें काम करती हैं उन सबका धम्म है एक, और वो अपने उस प्राकृतिक नियम के हिसाब से ही काम करेगी। मगर धर्म जो है वो बदल गया। अभी जो धर्म चलता है भारत में या दुनिया में उसको रिलीजन बोलते हैं, धर्म बोलते हैं या मजहब बोलते हैं। धर्म, मजहब या रिलीजन ये बिल्कुल अलग है। ये रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। वो प्राकृतिक हैं या नहीं हैं, या कैसे काम करते हैं कैसे नहीं काम करते हैं, या किसी ने बनाए हैं या छापे हैं या लिखे हैं या कहीं से आए हैं या गए हैं, वो अलग तरह से होते हैं। इसलिए धम्म में और धर्म में बेसिक अंतर ये होता है। मगर अगर कोई आदमी ये कहता है कि बुद्ध धर्म या बुद्ध धम्म, तो वो बुद्ध की बात करता है। धर्म बोलना इसलिए कई लोगों का खड़ता है कि अरे ये तो फिलॉसफी अलग है धर्म की और धम्म की अलग है, वो भी ठीक कहते हैं क्योंकि धम्म की फिलॉसफी और धर्म की अलग अलग है। मगर अगर भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कोई ये कहता है कि बुद्ध का धर्म या बुद्ध का धम्म, तो वो बुद्ध की फिलॉसफी के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए इसमें भ्रमित ना हो, ये धम्म और धर्म के अंदर बिल्कुल स्पष्ट बात है। धन्यवाद।